बोलो एक्शन। 214 चर्च गागिलापुर राजीव गांधी नगर में म्युनिसिपल कमिश्नर के दौरे के साथ साथ यहां के काउंसलर सुधाकर रेड्डी साहब और कमिश्नर साहब के साथ तमाम तफसीलाती दौरा किया गया, क्योंकि जो दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश के तहत जो है जो नुकसानात यहां के लोगों को हुए हैं, घरों के अंदर पानी आ गया है और रोड पूरी जो है पानी से भर गई थी, ये तमाम चीज़ों को कमिश्नर साहब के इल्म में जो है ये तमाम बातें लाई गई और सुधाकर रेड्डी साहब जो है यहाँ पे मुकम्मल कमिश्नर साहब के साथ दौरा करते हुए तमाम चीज़ों की तफसीलात कमिश्नर साहब के सामने रखते हुए पानी की जो है नक्कासी के लिए अहम अदम इत्मीनान का जो है इजहार करते हुए वो लोग यहाँ से पानी को खारिज करे हैं। अभी जो यहाँ पे पानी आने वाला है तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे कमिश्नर साहब का हुक्म है और काउंसलर साहब का भी हुक्म है कि अगर किसी को तकलीफ़ हो तो डबल बेडरूम में जो है जो अभी तामीर हो रहा है, डबल बेडरूम का काम चल रहा, उधर भी आप लोग जाके रह सकते हैं बोल के जो है अभी कमिश्नर साहब के आर्डर देके गए हैं। ये तमाम काम जो हो रहे हैं ये म्युनिसिपल कमिश्नर साहब जो आके दौरा करे हैं, ये जितने काम यहाँ पे पेंडिंग है पेंडिंग कामों को जो है मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पे रंजीत रेड्डी साहब, मोहन नायक साहब, जनाब राहत अली साहब, ये तमाम को लेकर यहाँ पे मुकम्मल दौरा किया गया और घर घर जाकर जो है यहाँ के गलियों में पूरा फिरकर जो है देखा गया कि यहाँ पे जो काम बाकी है, जो काम नहीं हुआ है, जो पानी की वजह से नुकसानात हुए हैं, तमाम चीज़ों का दौरा करते हुए रंजीत रेड्डी और मोहन नायक और जनाब राहत अली साहब, ये तमाम लोग जो है तफसीलात इसकी काउंसलर साहब के सामने रखते हुए और इसको जो है जल्द से जल्द ये काम को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आवाम की तकलीफ आवाम की डाउन नहीं बल्कि बोल रहे मगर आत्मिया भी है ना, डाउन के अंदर आत्मिया है, गलिस पानी आ रहा है उसमें, जानवर आ रहे हैं, कपड़े हर चीज आ रहा है उसके अंदर, बच्चे जाके खेल रहे उसमें, पानी में फुल मार लेके जा रहा है उसके अंदर, बच्चे भी चले गए तो परेशानी ना, गड़े करते बोल के जेसी को लेके आ रहे, करंट के वगैरह देखो तो नीचे है ना, नला का पानी आता, कचरा वाला आता, कौन नहीं आता, बड़े को तो भी आ रहे बोलते ये गली को सब जाने आते नहीं, जब तक कोई भी पूछने वाला तो दिखिच नहीं है इसको, अनाथ बस्ती कैसा है वैसी हो गई। 240 करें के पास अब तक 56 बार जाके, 3 बार 4 बार एमएलए के नहीं भी गए हम लोग, काउंसलर सर को भी बोले हाँ सैंक्शन हुआ करते बोल रहे, फिर कंपनियों का पानी भी इधर आ रहा करा रहे बोल के बोले जाके हम लोग पूरे गली वाले मिलके मट्टी डाल के आए, सुबह में मट्टी डाल के आए तक शाम को खोल दे रहे उसको, मगर वो कोई भी बंद कर रहे नहीं, कंपनी है डाउन है जाता बोल रहे, डाउन के अंदर कितनी पब्लिक है, छोटे छोटे बच्चे है, कोई पूछने वाला नहीं है, मच्छर आ रहे उसमें ना, नल का पानी है ना, खंबे का करंट का शॉट लग के मेरा बच्चा मर गया, अब तक एक वायरम भी नीचे लटक रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, ये गली को तो सब छोड़ दे रहे, वायरम देख लो, वायरम भी पूरा नीचे लटक रहे, ये गली से पानी जा रहा हाँ, रोकते भर रहे, हम लगा 15 साल से है यहाँ पर, ये पानी कब से आ रहा है, ये देख 1.5 साल से आ रहा पानी, ये 15 साल के नीचे से अब तक नहीं आया पानी, पहले पानी से नहीं था, अभी ये 1.5 साल से पानी आ रहा, पूछे तो 1.5 साल से पानी नहीं आ रहा, अब आ रहा बोले तो नहीं डाउन है इधर ही चाहता पानी बोल रहे, फिर डाउन है नीचे इधर आता करेक्ट बोल रहे, बोल रहे कंपनियों वाले बोल रहे इसमें కాల వస్తుంది కానీ కమిషనర్ దగ్గరకి వెళ్ళాము 3 టైమ్స్ వెళ్ళినాం అని ఏం ప్రయోజనం లేదు తర్వాత ఈ కంపెనీల వాటర్ అన్ని ఇట్టే వస్తున్నాయి రోడ్డు మీద వచ్చే వాటర్ కూడా వస్తున్నాయి డౌన్ ఉందంటున్నారు డౌన్ ఉందమ్మా ఇది రావడానికి రూల్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు దీనికి ఏదో ఒకటి చేస్తే మా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది हमारे रंजीत रेड्डी साहब भी बखूबी जानते हैं, जनाब राहत अली साहब भी बखूबी जानते हैं, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि ये काम को जल्द से जल्द यहाँ पानी को रोका जाए और ये पानी का एक रास्ता बनाते हुए जो आवाम को तकलीफ़ हो रही इस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको कोई चीज़ की तकलीफ़ हो तो आप जो है रंजीत रेड्डी साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या जनाब राहत अली साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मोहन नायक साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काउंसलर साहब से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको बोलने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो पानी की तकलीफ़ हुई है, 2 दिन के अंदर पानी में जो हाल हुआ है वो हाल नहीं होना करके जो है
अभी कोशिश जारी है, आप सबसे यही गुजारिश है कि जो कुछ भी काम हो आगे जो है काउंसलर साहब के बाद जो है इल्म लाइए ताकि वो काम को हम पूरा कर सकें। शुक्रिया।